नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। और इस समय हम लोग मौजूद थे बनारस घाट पे। तो जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे नाव बनाई जा रही थी। तो हमने सोचा कि देखें नाव कैसे बनती है, कितनी लागत आती है, कितने समय में बनती है, और यही सब बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्लू साहनी है। कल्लू साहनी जी, कब से नाव बना रहे हैं? ये हो गया 5 साल लमसम। हाँ, 5 साल। कितना टाइम लग जाता है एक नाव बनाने में? एक नाव बनाने में 1.5 महीना लगता है। हाँ, जब नाव बनाने की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये देखिए, माथा है ना, वो मोटा वाला सिक्का, आगे और पीछे, वहीं से स्टार्ट होता है। जो पहला मेन डाढ़ का लकड़ी दिया जाता है, जो कि लकड़ी 2 इंची से स्टार्ट होता है, 2 इंची से स्टार्ट करता है होता है। उसके बाद वो 10 इंची 12 इंची तक लकड़ी, वही दो लकड़ी 12 इंची तक पहुँचाता है लकड़ी। कौन सी लकड़ी यूज कर रहे हैं इसमें? ये साकू का है। साकू की लकड़ी है ये? पानी में खराब नहीं जल्दी होती है? पानी में खराब नहीं होता है। ये क्या काला काला ये क्या लगा रहे हैं? ये है गोहरी का राखी है और डामर है। हाँ, इसको मिक्स करके इसमें लगा देते हैं। लीकेज नहीं होगी? इससे लीकेज नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जैसे इतनी बड़ी नाव बना रहे हैं आप, तो एक नाव बनने में कितनी लागत आ जाती है? इतना बड़ी बनने में करीब 4 लाख। 4 लाख? हाँ, 4 लाख रुपया लग जाता है। इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने दिन चल जाएगी? ये 15 साल के लिए छुट्टी, बीच बीच में रिपेयरिंग होता है। हाँ, जैसे तो रिपेयरिंग। हाँ, इसका लाइफ 15 साल के लिए है। ये लकड़ी वगैरह कहाँ से मंगाते हैं सब? ये लकड़ी हम लोग लाते हैं, जैसे कि करी मिल गया घर में, का धरन ओरन मिल गया, और आरा मशीन से जो लेकर हम लोग आते हैं। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितने लोग इस नाव पे बैठ जाएंगे बनने के बाद? कैपेसिटी है कम से कम 40 आदमी का। पूरी नाव दिखाएं, पूरा व्यू इसका कराएं, कैसे नाव बन रही है यहाँ पे जी। तो अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा बनने में? अभी इसमें कंप्लीट होने में 20 दिन लगेगा। 20 दिन और लग जाएगा। हाँ। ये थी कल्लू जी हमारे साथ में, जिन्होंने हमें बताया कि नाव कैसे बनती है, और इस नाव में बनने के बाद 20 लोग सवारी कर सकते हैं। इस नाव की लाइफ जैसा कि इन्होंने बताई कि ये नाव बनने के बाद कम से कम 15 साल ये नाव चलेगी। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।